बिहार के चुनाव के बाद ये कहीं ना कहीं साफ होता जा रहा है कि जहां ओवैसी वहां बीजेपी। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तस्वीरें बता रही हैं कि जहां जहां ओवैसी ने चुनाव लड़ा वहां पर महागठबंधन को करारा झटका लगा और बीजेपी को फायदा हुआ। भले ही दोनों के बीच कोई साठ गांठ ना हो, लेकिन तस्वीर बीजेपी के ही हक में जा रही है। इससे कहीं ना कहीं ये साफ भी हो रहा है कि जहां जहां बीजेपी वहां वहां ओवैसी, या फिर यूं कह लीजिए कि जहां जहां ओवैसी वहां वहां बीजेपी। जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी के दिन बदलते जा रहे हैं और वो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दल अब ये चर्चा करने लगे हैं कि ओवैसी क्या सीधे बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं। ये आरोप पूरी तरह से ओवैसी की पार्टी पर तब लगा जब महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बन सकी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ओवैसी अंदर ही अंदर बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और महागठबंधन का वोट काटने का काम कर रही है। फिलहाल इस बार हैदराबाद में चुनाव हुआ तो हैदराबाद में भी तस्वीर सामने आई। हैदराबाद में भी ओवैसी ने जिस तरीके से अपना दमखम दिखाया, ठीक उसी तरह से बीजेपी ने भी अपना पूरा दम दिखाया। सांप्रदायिकता के रंग में तड़का लगाने के लिए दोनों पार्टियों ने मुद्दों को खूब उछाला। यही हाल बिहार में भी दिखाई दिया। फिलहाल अब ओवैसी और बीजेपी की नजर बंगाल पर है। बंगाल में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव से पहले बीजेपी के यहाँ बड़े नेता पहुंच चुके हैं। वहीं ओवैसी भी अपनी पार्टी को लेकर अब बंगाल का रुख कर चुके हैं। बिहार में मिली जीत के बाद ओवैसी का हौसला बहुत बढ़ गया है। उन्होंने बंगाल और उत्तर प्रदेश पर अपनी नजर गड़ा ली है और इन्हीं दोनों जगह पर बीजेपी की भी नजर गड़ी हुई है। अब देखना तो ये होगा कि इन दोनों जगह पर ओवैसी और बीजेपी को बिहार की तरह फायदा मिलता है या फिर तस्वीर कुछ और बनती है। खैर, तो क्या इस बार बंगाल में ममता का खेल ओवैसी बिगाड़ देंगे और भाजपा वहां अपना खेल बना लेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबकी नजर अब बंगाल पर टिक गई है। क्या ये फॉर्मूला बंगाल में भी सफल हो पाएगा कि जहां जहां बीजेपी वहां वहां ओवैसी, यानी कि बंगाल में भी अगर दोनों कूदे और वहां पर अल्पसंख्यकों के वोट की अगर बात की जाए तो जाहिर है कि ममता बनर्जी के वोट में सेंध लगाने के लिए ओवैसी बीजेपी की मदद कर सकती है। ठीक इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां भी अल्पसंख्यकों के वोट में सेंध लगाने के लिए ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद करती दिखाई देगी। अब ये बात खुलकर सामने ना आ सके, लेकिन गणित तो यही कहता है कि जिस तरह से ओवैसी अल्पसंख्यकों की वोट को काटेंगे वैसे ही बीजेपी को फायदा होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।